तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ है मेरा मंदिर और इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। इसे छोटा का क्यों मिला है ना? दोस्तों कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी हो गया आफ्टरनून का टाइम, अराउंड 1 o'clock होने वाला है और मैं भी रेडी हो गई हूँ कहीं जाने के लिए। और कहाँ जाने वाली हूँ वो आपको आगे पता चल जाएगा ब्लॉग में। और आज मैंने सोचा था गेट रेडी विथ मी शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, बट बिजी हो गई एंड नहीं हो पाया। बट नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस कि जब भी मैं कहीं जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। एंड सेकेंड थिंग, आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं बहुत ही रेयर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें। तो अभी आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, ब्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं, मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ है मेरा मंदिर और इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी दिखा देती हूँ। और इतने ब्यूटीफुल लग रहा था क्योंकि मैं डेली तो फ्लावर्स लाती नहीं हूँ बाहर से, तो आज मैंने प्रॉपरली फ्लावर्स लेके आई क्योंकि आज वट सावित्री का दिन था। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान जी को थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया जाए। तो आज मुझे अपना मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ और मुझे कमेंट्स में बताना कि कैसा लग रहा है। तो देखिए एक सेकेंड, यहाँ पे ये रोजेस है ना, वो मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे तो मैंने ऐसे सजाया है। और मेरे पास अभी और सारे फ्लावर्स हैं, मैं सोच रही थी कहाँ लगाऊं, बट छोटा सा है इस वजह से मैंने ज़्यादा नहीं लगाया। तो कैसा लग रहा है मुझे बताना ज़रूर। दोस्तों मैं आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ और अभी आपको जाके दिखाती हूँ। कैसी है? बस बढ़िया, बिजी बिजी। थैंक यू। उनके पास से ले ले। पतीले वाला कप है? नहीं, पूरी भर के लाओ ना तो पूरे पूरे दिन का कोटा खत्म। चल नहीं तो चल के बाय। चलो जी बाय, सी यू अगेन। बहुत ज्यादा। चलो जी बाय। ओके, टेक केयर, मिलते फिर से। ओके जी बाय, आना घर। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से निकल गई थी कबीर को पिक करने के लिए, बिकॉज कबीर की स्कूल की बस का टाइम हो रहा था और वहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं बैठी, मुश्किल से हाफ एन आवर का टाइम दिया था मैंने वहाँ पे। एंड देन कबीर को लेने चली गई थी और वहाँ पे जब मैं खड़ी हुई ना बस स्टॉप पे, 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो गया बिकॉज अभी अचानक से सडनली इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं कबीर को लेके आ गई हूँ, ही इज़ टेकिंग बाथ और अभी मैं उसके लिए कपड़े निकालने लग रही थी और फिर मैं बनाऊँगी उसके लिए लंच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज और क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ मैंने कबीर की टी शर्ट और कबीर का शॉर्ट्स निकाल के रख दिए हैं, वो निकलेगा तो ये पहन लेगा। और तो मॉर्निंग में उसके लंच के लिए स्कूल टिफिन के लिए मैंने बनाए थे नूडल्स, तो ये भी रखे हुए हैं। और साथ में मैंने ये बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, तो ये भी है। अगर कबीर को ये खाना होगा तो मैं ये गर्म कर दूंगी, अगर सब्जी एंड पूड़ी या पराठे के साथ खाना होगा तो मैं ये भी गर्म कर दूंगी। तो अभी वो निकल के आता है फिर मैं उससे पूछती हूँ। तो नाउ कबीर इज हैविंग हिज लंच और लंच में क्या खा रहा है? अगेन नूडल्स ही खा रहा है ना? अच्छे लगे आज? तो यहाँ पे कबीर अपना लंच कर रहा है और मुझे आज लंच करने का मन नहीं था क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं चाय पकौड़े खा के आ गई थी और वो भी टाइम हो रहा था अराउंड 1 o'clock का। तो ऑब्वियसली मुझे लंच करने का मन नहीं है, तो अभी आई एम हैविंग वाटरमेलन बिकॉज फ्रूट्स खाने के लिए भी ना पर्टिकुलर टाइम निकालना पड़ता है जिसका मुझे टाइम होता नहीं, इवनिंग में फ्रूट खाए नहीं जाते हैं। तो इसलिए आई एम थिंकिंग कि अभी खा लेती हूँ आफ्टरनून में। तो चलिए थोड़ी देर बाद मैं करूँगी रेस्ट और फिर थोड़ी देर बाद मीन्स इवनिंग में आप लोगों से मिलूँगी।
तो दोस्तों यहाँ हो रहा था नाइट के 10 o'clock के अराउंड का टाइम। हम सभी डिनर कर चुके थे, मेरे ब्रदर इन लॉ की फैमिली हमारे घर आई हुई थी। तो यहाँ पे जो लोग भी मेरा रेगुलर ब्लॉग्स देखते हैं उन सभी को पता होगा कि ये क्यूटी पाई कौन है। और यहाँ पे देखिए कबीर की साइकिल के साथ मस्ती चल रही थी इसकी। और जब भी ये लोग घर पर आते हैं या हम लोग इनके घर जाते हैं तो हमेशा इस क्यूटी के साथ हम लोगों का पूरा टाइम अच्छे से निकल जाता है। तो सभी का ये टॉय है हमारे घर में। तो दोस्तों यहाँ देखिए मैं कबीर को लेके आ गई हूँ स्कूल की बस से। और कबीर इज वेरी हैप्पी टुडे। क्यों हो आप खुश? हॉलीडे है। हॉलीडे है, कितने दिन का? वन मंथ एंड टेन डेज का। आज कबीर को हॉलीडे की खुशी में क्या चाहिए? पिज्जा और पिज्जा कोक और ब्रेड, मतलब ब्रेड गार्लिक ब्रेड। इतनी सारी चीजें आप खा लोगे अकेले? पिज्जा तो खा लोगे बेटा। चलो अभी ऑर्डर करते हैं आपके लिए। कल संडे को लेके आए, कल संडे है ना? नहीं आज भी खाएंगे, कल भी। आज भी खाओगे, कल भी खाओगे? चलो ठीक है, अभी ऑर्डर करते हैं कबीर के लिए पिज्जा। तो दोस्तों यहाँ पे कबीर के लिए पिज्जा मंगवा चुकी थी मैं और ये डिलीवर भी हो चुका था। तो बस यहाँ पे कबीर को देखिए, यहाँ पे पेशेंसली वेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था उसके लिए, बिकॉज मैं वीडियो बना रही थी। और जब भी कोई ऐसी कोई फेवरेट चीज़ कबीर की आती है ना तो उसको बिल्कुल सब्र नहीं होता है ओपन करने के लिए। ही वॉज टेलिंग मी कि मम्मा छोड़ो ना वीडियो, अभी हम लोग बस खाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पिज़्ज़ा के साथ मैंने मंगवा ली थी गार्लिक ब्रेड, साथ में मंगवाया था कोक, बिकॉज कबीर को वो भी खाना था और काफ़ी दिनों से ही वो स्पेलिंग में, बट उसे बहुत ज़्यादा खांसी हुई थी तो इसलिए मैंने ये मंगवा रही थी। तो फाइनली आज उसकी हॉलीडेज स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने सोचा कि एक उसे छोटी सी पार्टी दे दी जाए और हम लोग खुद माँ बेटे मिल के इंजॉय करते हैं। तो गाइज ये मैंने मंगाया था फार्म हाउस पिज़्ज़ा मीडियम साइज, बट मुझे इसमें टमाटोज नहीं पसंद इसलिए मैंने इसमें पेपरिका डलवा ली थी, इंस्टेंट ऑफ टमाटोज, और साथ में ले लिया था कोक। तो आज हमने माँ बेटे ने मिलके जम के पार्टी की है, तो आप लोग भी ऐसे ही इंजॉय करो अपना दिन अपने बच्चों के साथ में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ टेक केयर।